नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। आईपीएल के 9वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच भिड़ंत हुई। ईडन गार्डन में खेले गए इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने आरसीबी को 81 रन के बड़े अंतर से हराया। इस मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी स्टेडियम में मौजूद थे। आरसीबी की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरसीबी के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और विराट कोहली के दोस्त एबी डिविलियर्स और उनकी पत्नी का है। एक शो के दौरान डिविलियर्स की पत्नी डेनियल डिविलियर्स से जब पूछा गया कि इस आईपीएल सीजन में आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, इस पर डेनियल ने आरसीबी का नाम नहीं लिया है, जिसे सुनकर एबी काफी हैरान रह गए हैं। दरअसल कल केकेआर और आरसीबी के मैच से पहले इस कपल ने जियो सिनेमा के एक शो में हिस्सा लिया, जहां पर इनसे कुछ फन क्विक फायर राउंड भी खेला गया, जिसमें इन सवालों के जल्दी जल्दी आंसर देने थे। इस गेम के दौरान जब इस कपल से पूछा गया कि इस लीग में वह किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जवाब में डिविलियर्स ने तो आरसीबी का नाम लिया, लेकिन उनकी पत्नी डेनियल डिविलियर्स ने केकेआर को अपनी फेवरेट टीम बताया और कहा कि वो केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं। डेनियल ने कहा, केकेआर शाहरुख खान की टीम है, ये प्योर लव है। इस पर एबी डिविलियर्स काफी ज्यादा हैरान रह गए और उनका रिएक्शन काफी मजेदार था। वहीं अगर मैच की बात करें तो केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के 57 रन और मिडल ऑर्डर में रिंकू सिंह के 46 रन के साथ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की 68 रन की तूफानी पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन बनाए, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम 123 रन पर ही ढेर हो गई। केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 4, अपना पहला मैच खेल रहे सुयश शर्मा ने 3 और सुनील नरेन ने 2 विकेट छटके। वहीं शार्दुल ठाकुर ने गेंद से भी 1 विकेट लिया और इस तरह केकेआर की टीम ने इस मैच को 81 रन से अपने नाम किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।